नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या भारत और चीन में जो पूर्वी लद्दाख में तनातनी चल रही है वो युद्ध में तब्दील होगा? आखिरकार चीन चाहता क्या है और भारत की क्या है तैयारी? तो चुसलू के काउंसलर हैं कोंचो क्रिस्टेनजिन, वो कहते हैं कि हमारी तरफ से असामान्य सैन्य हलचल और तोप हथियारों का मूवमेंट हम देख रहे हैं। अपने बुजुर्गों से इससे पहले 1962 में चीन के साथ जंग के वक्त इस तरह की हलचल देखी थी, हमने ये सुना है। वो कहते हैं कि शुक्रवार को गांवों का दौरा किया था, लोग खेती के कामों में लगे हुए हैं लेकिन उनमें तनाव है, वो डरे हुए हैं। अभी दो जगहों पे गलवान घाटी और फिंगर फोर में बहुत ज़बरदस्त तनाव है। वहाँ से इन गाँवों की हवाई दूरी 10 किलोमीटर से भी कम है। फिंगर फोर एरिया में हर साल जाड़े के दिनों में गाँव के चरवाहे अपने मवेशियों को चराने जाते हैं, हर साल वहाँ कुछ महीनों तक रहते हैं। वो आगे कहते हैं कि इस साल से पहले तक दोनों पक्ष में कोई तनातनी होती थी तो उसे तुरंत बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता था। यहाँ नियमित तौर पर अपनी सेना पेट्रोलिंग करती रहती है लेकिन अभी कभी कभी अभी जैसे तनाव हालात नहीं होते थे। उनका कहना है कि पेंगोंग झील आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है, यह गर्मियों खुलती है और जाड़े के दिनों में दुनिया से कटी रहती है। गर्मी का ही मौसम है लेकिन कोरोना वायरस और इस तनातनी की वजह से वहां पे कोई गतिविधि नहीं है। फिर आखिरकार चीन चाहता क्या है? तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में विजिटिंग फेलो हैं लद्दाख के रहने वाले चीन मामलों के जानकार शाहिद वाहिद, वो कह रहे हैं कि चीन के मंसूबों को खतरनाक है और मुझे जल्द तनाव खत्म होने की उम्मीद नहीं दिखती है। यह कोई टेक्निकल मूव नहीं है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में जो रणनीतिक कदम उठाया है उसके जवाब में चीन ने ये कदम उठाया है और इसका फिर क्या असर होने जा रहा है? चीन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहता है। एक तरफ तो चीन बातचीत और डिप्लोमेटिक चैनल से सारे मामले को हल करने की कहता है, दूसरी तरफ वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और साइकोलॉजिकल वार में उसका जो ग्लोबल टाइम्स है सरकारी अखबार, वो पूरी तरीके से उसमें लीन है। उसकी रिपोर्ट कह रही है कि चीन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के पास हाई एल्टीट्यूड हथियारों का जखीरा है। डोकलाम गतिरोध के बाद उसने अपनी मारक क्षमता का विस्तार किया है। इसमें एक टैंक, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और हविजर के साथ साथ बड़े पैमाने पर मारक हथियार शामिल हैं। कुछ हथियारों को पिछले साल 1 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रीय दिवस सैन्य परेड में दिखाया गया था। अब इधर हाल के दिनों में चीन ने और क्या किया है कि दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी नौका को मार गिराया था। इसके अलावा मलेशियाई ऑफशोर ओली रिग और ताइवान के लिए भी वो परेशानी बना हुआ है। हांगकांग को पूरी तरीके से कब्जाने में वो लगा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वहाँ की संसद मंजूरी दे चुकी है। चीन पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा है। उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बांध बनाने के लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सारी उसकी गतिविधियां हैं जो ये बता रही है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने फिर दोहराया है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। चीन की जो है जो गतिविधियाँ हैं, जो तरीका है वो पड़ोसी देशों को दबाने की, उसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इसमें कोई दोहराया नहीं कि अपनी सेना को मजबूत की है, लेकिन इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई अपनी सेना का इस्तेमाल पड़ोसियों को दबाने के लिए करेगा? तो अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है, भारत मौन है। बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा था कि इस बार की जो गतिविधियां हैं वो पहले से थोड़ा अलग हट के है। बैकडोर चैनल से, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चल रही है लेकिन भारत भी युद्ध की तैयारी में है, क्योंकि जितनी सेना और इक्विपमेंट वो आगे बढ़ा रहा है चाइना, उसी अनुपात में भारत भी आगे बढ़ा रहा है। और जो भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं MM नरवणे, वो चीन की चाल पे पहले शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और पहले स्टेज पे, जो उसके 3 स्टेज हैं उसमें से पहले स्टेज पे ही उन्होंने चीनी सेना को भारतीय सेना ने जवाब दिया है, यानी कि एंटर करते ही लोहा ले लिया है, आमने सामने आग खड़ी हुई है। तो अब ये देखना है कि हर बार से अलग इस बार की गतिविधियाँ क्या युद्ध में तब्दील होती है या किसी तरीके से वो टल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीन को नागवार गुजर रही है, चाहे वो ताइवान का मसला हो, चाहे हांगकांग का मसला हो। इस पे भारत जो स्टैंड ले रहा है वो चीन को नागवार लग रहा है। भारत जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा है उससे चीन नाखुश है। जिस तरीके से भारत ने पीओके को लेने का संकल्प दोहराया है उससे जो है चाइना को दिक्कत हो रही है, क्योंकि CPEC उसका वहीं से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब भारत की ताकत या भारत
भारत की मजबूती उसको अखर रही है, लेकिन वो करे तो क्या करे, वो भी बहुत सारे मोर्चों पे एक साथ घिरा हुआ है। देखते हैं आगे ये मामला कौन सा टर्न लेता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।